हे दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्री इडियट्स की। जी हाँ, होटल इंडस्ट्री के थ्री इडियट्स, और हम लोग कंपेयर करेंगे अपने आप को थ्री इडियट मूवी से। यहाँ पे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिनके भी हाथ में मोबाइल है, तो आप इनमें से कुछ भी नहीं हो, आप कोई भी इडियट नहीं हो। आप इसमें मूवी का जो स्टार है आमिर खान, वो हो, क्योंकि आप सबसे अलग हो, आप सबसे यूनिक हो। आपका कंपैरिजन किसी से भी नहीं किया जा सकता है। आपको सिर्फ अपने सेल्फ बिलीव के ऊपर काम करना है और अपने आप पे भरोसा रखना है कि आप सबसे अलग, सबसे यूनिक हो। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ थ्री इडियट्स की, और जो सबसे पहले मैं अगर मैं यहाँ इडियट्स लेता हूँ, तो वो है हमारे वो लोग जो एग्जीक्यूटिव शेफ बनने की सोचते हैं, सेलिब्रिटी शेफ बनने की सोचते हैं। उनको कुछ नहीं पता है और वो एंटर कर जाते हैं इस इंडस्ट्री में, और उसके बाद पता चलता है कि यहाँ तो कॉमी थ्री भी बनना पड़ेगा, कॉमी टू भी बनना पड़ेगा, और वहाँ सेलिब्रिटी और एग्जीक्यूटिव शेफ बनते बनते तो 15 साल लग जाएंगे। तो ऐसे लोग हमेशा यहाँ पे फिर एक तरीके से मार खाते हैं और फिर इंडस्ट्री को छोड़ के ही चले जाते हैं। मैंने अधिकतर लोग इसी प्रकार के लोग देखे हैं। तो ये हो गया सब यहाँ पे सबसे पहला इडियट। आप सेम इसको जो आर माधवन था उसके कंपेयर कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसकी तुलना कर सकते हैं। दूसरे लोग वो हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा डर लगता है, इंडस्ट्री में एंटर कर लिया है सरमन जोशी जैसा, उनको डर है अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद उनको डर होता है कि मेरी ट्रेनिंग किसी अच्छे 5-स्टार में होगी कि नहीं होगी, मेरा जो मैं ट्रायल देने जाऊंगा वो पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं इंडियन शेफ बन जाऊंगा, मैं काउंटी शेफ बन जाऊंगा, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसी चक्कर में वो सारी की सारी अपने कई साल तो ऐसे ही निकाल देते हैं, और उसके बाद भी उन्हें डर लगा रहता है कि अब लाइफ में, अब कैरियर में क्या होगा। तीसरा, यहाँ पे जो चतुर रामलिंगन की तरह होते हैं, जिनको कि सिर्फ मार्क्स चाहिए होते हैं, उनको चाहिए कि वो एक अच्छे कॉलेज में, अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनको लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही महंगे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, जो कि किसी एक सेलिब्रिटी शेफ का है कॉलेज या किसी भी एक अच्छा कॉलेज है, और अब उनका कैरियर बिल्कुल सेट हो चुका है। उनको लगता है कि मैंने इस IHM में एडमिशन ले लिया है, ये IHM इसकी रैंक बहुत अच्छी आती है, तो मेरा लाइफ सेट हो गया है, या मैंने MT कर ली है तो मेरी लाइफ सेट हो गई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसी तीन प्रकार के जो इडियट्स हैं हमें इस इंडस्ट्री में मिलेंगे। पर आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यूनिक हैं, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पे अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, और जो भी आप लोग सीख रहे हैं वो दिल से सीखिए, और ये सीखिए कि अगर आप वो चीज़ सीख रहे हैं तो कहाँ उसका एप्लीकेशन होगा। सिर्फ सीखने के लिए मत सीखिए, उसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए सीखिए। जैसे कि सब के सब रेसिपीज़ के पीछे भाग रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको अपने बेसिक्स को मजबूत कीजिए। अगर आपको अपने बेसिक्स को मजबूत कर लेंगे तो आप सारी की सारी रेसिपी वैसे ही सीख जाएंगे। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, रेसिपी जस्ट इमेजिनेशन होती है, हमें किस प्रकार से इंग्रेडिएंट्स को मिलाना है, घोलना है, और आपको चीज़ें खुद आ जाएंगी, आपकी रेसिपीज इतनी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। दूसरा, हमेशा अपनी जो डिजिटल आइडेंटिटी है उसको क्रिएट करके रखिए। ये डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है, मैं खुद अब इस डिजिटल वर्ल्ड पे हूँ, तो मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म्स पे आइए, हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं किसी एक प्लेटफॉर्म को चूज़ किए, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, और सीधा का सीधा इन थ्री इडियट्स की तरह अपनी लाइफ को इस तरीके से मत ले जाइए। अगर आप इस तरीके से लेके जाएंगे तो वही आपका हश्र होगा जो बाकी लोगों का होता है। फिर आप भी किसी कोरोना काल में अपने घर में बैठे होंगे, या फिर सिर्फ सोच ही रहे होंगे कि मुझे आगे क्या करना है, आगे कहाँ मुझे नौकरी ढूंढनी है। वहीं अगर आप होटल मैनेजमेंट करेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, अपने ऊपर बिलीव करेंगे, ये नहीं तय, ये आपकी जो इच्छा है आप वो करेंगे, ये लोगों को तय नहीं करने देंगे कि आपको क्या करना है। आपको जो खुद करना है आप खुद करेंगे, और अपनी उस यूनिकनेस को बरकरार रखेंगे। दुनिया चाहे कुछ ही बोले, आपको अपना ध्यान लगा के अपना काम सीखना है, और उस काम को कहाँ अप्लाई करना है वो भी सीखना है। उम्मीद करता हूँ आप भी फिल्म स्टार की तरह, सेम वहाँ पर रेंचो की तरह, अपनी लाइफ में कैरियर में आगे बढ़ेंगे, और मुझे भी याद रखेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, मुझे नीचे लिख के बता देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।